Hello students, welcome to the 6th current affair class, and in today's class I will be dealing with a very important issue that has unfolded in South India, that is Bhima Koregaon issue. जनवरी से ये इशू न्यूज़ में है. इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस साल के मेंस में भी आ सकता है और नेक्स्ट ईयर के मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ भीमा कोरेगांव ये बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट है जो जनवरी में पैदा हुआ. क्यों हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट, इसको समझने के लिए हमें पहले बैटल ऑफ कोरेगांव को समझना पड़ेगा और सेकेंडली बैटल के साथ साथ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा महार कम्युनिटी को, MAHAR. एक तो बैटल को समझना पड़ेगा. डेक्कन में 19th सेंचुरी में, जो बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी था, उस टाइम पे मराठास काफी स्ट्रांग थे और जो ब्रिटिश है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भी स्ट्रांग होती जा रही थी और दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, ब्रिटिश में और मराठास के बीच में. एंड ये माना जा रहा था कि जो मराठास हैं, मुगल्स के बाद पूरे हिंदुस्तान के बाद ऊपर ये लोग राज करेंगे और मराठास काफी स्ट्रांग थे अंडर द पेशवास. और एक पेशवा था बालाजी बाजीराव टू. और बालाजी बाजीराव टू जो पेशवा है, इसने जो महार कम्युनिटी था वहां पे रहने वाला डेक्कन में, उनको काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया. और ये जो महार कम्युनिटी है बेसिकली दलित कम्युनिटी थी, बहुत ऑपरेशन किया महार कम्युनिटी के ऊपर, काफी अत्याचार किया महार कम्युनिटी के ऊपर पेशवाज ने. और पेशवा और महार कम्युनिटी दोनों एंटी फोर्सेस हो गई साउथ में. और जब डेक्कन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का पेशवाज के साथ, तो पेशवाज को हराने में महार्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. दे हैड सपोर्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे के पेशवाज को हरा दिया गया. और जब पेशवाज हार गए, दैट वॉर वॉज कंसिडर्ड टू बी द वॉर ऑफ इमेंसिपेशन, वॉर ऑफ एम्पावरमेंट, वॉर ऑफ जस्टिस बाय दिस महार दलित कम्युनिटी. ये वॉर कब लड़ा गया, 1 जनवरी 1818 को ये वॉर लड़ा गया. अब रिसेंटली 200 साल के बाद, दैट इज 1 जनवरी 2018 को इस इवेंट के 200 साल मनाए जा रहे थे, कमेमोरेट किए जा रहे थे, सेलिब्रेशंस हो रही थी. क्योंकि दलित का ये मानना है कि पेशवाज के अगेंस्ट फाइट करके उन्होंने एम्पावरमेंट गेन किया है, इमेंसिपेशन हुआ है उनका. एंड ये जो सेलिब्रेशन चल रहा था, तो बीजेपी का एक आउटफिट एबीवीपी है, जो अखिल भारतीय विद्या परिषद, उन्होंने वहां जाके कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर दिया कि ये जो कमेमोरेशन हो रहा है ये सही कमेमोरेशन नहीं हो रहा है. बिकॉज अखिल भारतीय विद्या परिषद क्या कहता है कि जो महार कम्युनिटी थी, इस कम्युनिटी ने 3rd बैटल ऑफ पानीपत में भी, और महार कम्युनिटी ने हमेशा पेशवाज का साथ दिया है, और ये जो कमेमोरेशन हो रहा है ये एक्चुअली गलत है. जो इंटरेस्ट हैं पेशवा कम्युनिटी के पास्ट में और अब भी जो पेशवा कम्युनिटी है, जो मराठास हैं और दलित्स के बीच में, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन नहीं है और कभी भी दलित्स को दबा के नहीं रखा गया. तो ये मैसेज देना चाहता था अखिल भारतीय विद्या परिषद. ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये न्यूज में पॉलिटी परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हमारा एक्ट है पार्लियामेंट ने पास किया हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
ना उस एक्ट के अंडर जो भी लोग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे दोनों साइड से, एबीवीपी की साइड से भी और दलित्स की साइड से भी, उन दोनों को अरेस्ट करके गवर्नमेंट ने उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट एक्टिविटी की है। ये है जो इशू आज की डेट में न्यूज में बहुत चल रहा है। और सबसे ज्यादा न्यूज में क्या चल रहा है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है या इस तरह के पास्ट में भी जो एक्ट रहे हैं जैसे टाडा है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, या पोटा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, या मीसा एक्ट रहा है सिक्योरिटीज के लिए, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के लॉ बनाए गए। देखिए हमारे संविधान ने अंडर पार्ट 3 बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, बट इन फंडामेंटल राइट्स में अगर आप आर्टिकल 22 को पढ़ते हो, प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट, राइट टू प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, कि किन किन केसेस में आपको गिरफ्तार ना होने का हक है और गिरफ्तार होकर आपको क्या क्या हक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो लॉ है, पार्लियामेंट ने इस लॉ के अंडर, इस एक्सेप्शन के अंडर, जो आर्टिकल 22 की एक्सेप्शंस हैं उनके अंडर बहुत सारे लॉज बनाए हैं, और उन लॉज के अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। ये गवर्नमेंट को बहुत डिस्क्रिशन दे देता है। ये एक्ट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता है, कुचलता है फंडामेंटल राइट्स को। तो इसको चेंज करने के बारे में बोला गया है ताकि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें। और इस ये क्यों न्यूज में है, इट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ भीमा कोरेगा इशू। अब अगर मेंस में आपको क्वेश्चन आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के ऊपर, टाडा पोडा के ऊपर या प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर, तो इंट्रोडक्शन में आप ये चीज मेंशन करोगे, रिसेंटली दिस वॉज इन न्यूज इन भीमा कोरेगा इशू केस। उससे जो इवेल्युएटर है उसको आइडिया लग जाएगा कि आपको पूरा इंटेंस क्लैरिटी है इस चीज के ऊपर। कुछ भी समझ ना आया हो आपको इसमें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर 8459400000। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करते हम। और प्लीज इस चैनल को प्रमोट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि क्वालिटी वीडियोज हम बना रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कुछ भी जो भी आप यूज कर रहे हैं, उससे हमें थोड़ा हेल्प मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए। प्लस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर ऑफलाइन क्लासेस बैच एट चंडीगढ़ एंड एट दिल्ली। सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।